जैसे आपने मोमोज ये पहले से बना लेते हैं आप, सबको आप एक एक करके अंदर की तरफ डाल करके उसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अभी तेल में डाला जाएगा इसको, पूरा ब्राउनिश हो जाएगा, उसके बाद में आप बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों एक बार हम लोग ट्राई करते हैं कुरकुरे वाले जो मोमोज खा करके कि किस तरीके का टेस्ट है। तो चलिए भैया को ऑर्डर, भैया एक कुरकुरे वाले मोमोज लगवा दीजिए हमारे लिए, और मैं आपको बनाते हुए जो जिस तरीके से बनते हैं ये कुरकुरे मोमोज, वो उसकी जो प्रोसेस है इनकी, वो भी अपन चल के दिखाते हैं। चलिए आइए। जैसे आपने मोमोज ये पहले से बना लेते हैं आप, और ये क्या चीज है भैया? अच्छा, इन सबको आप एक एक करके अंदर की तरफ डाल करके उसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये क्या चीज है जो व्हाइट वाली जो है? ये ब्रेड गरम। अच्छा, तेल में डाला जाएगा इसको, सारी चीजें निकाल दी गई है और अंदर तेल में डाल दिया गया है। अभी कितनी देर तक इसको आंच में रखेंगे इसको, इसमें तेल के अंदर? 2-3 मिनट। 2-3 मिनट। अच्छा, पूरा ब्राउनिश हो जाएगा उसके बाद में आप बाहर निकाल लेंगे। अभी जो बना रहे हैं अपन ये कुरकुरे मोमोज है या अफगानी मोमोज है? ये कुरकुरे मोमोज है। चाट मसाला हो गया, दोनों सारे मिला दो। ये क्या चीज डाली हुई है? ये मेयोनीज। अच्छा, मेयोनीज हो गई है। ये रेड सॉस हो गई है, आटा का सॉस। तो अभी हमारे जो हैं कुरकुरे मोमोज बन करके तैयार हो चुके हैं, और ये देखो कितने क्रिस्पी लग रहे हैं बिल्कुल। अभी सारी प्रोसेस मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया कि किस तरीके से बनाते हैं ये, अब खा के भी देखते हैं टेस्ट कैसा है। ये आ गई मोमोज, ये मसाला बढ़िया है और कुरकुरा भी है, अच्छा लग रहा है खाने में भी। अच्छा तो गाइस खाने में टेस्टी है, एक बार और खाता हूँ फिर बाद में और बोलता हूँ। बहुत प्यारे मोमोज का जो है ना, हटके बिल्कुल, ये पहले मैं देखा मैं खा रहे है ना, बहुत हटके। बहुत सारे मोमोज हैं लेकिन दिल से बहुत प्यारे, और ये जो कुरकुरे मोमोज है बाकी बहुत बहुत स्पेशल लगे। ये जो नॉर्मल आते हैं तो लाइट आते हैं, क्रीम में आते हैं, खाने मजा आ रहा है, बोलने की चाहिए कभी खाने में मजा आ रहा है। हमारी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। ये तो अब तक चटनी भी आ गई, अब तो सपने के साथ तो और एक नंबर लग रहा है। चले गाइस,
इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक वाले पेज को और यूट्यूब वाले पेज को भी फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ब्राउन मुंडी जिस जगह पर है दिल्ली के अंदर, उस जगह का एड्रेस, इसकी लोकेशन यहाँ पर है। और आइए, ये जो लोकेशन है भैया, ये कहाँ पर पड़ती है? एटू मार्केट। अच्छा, पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार, इंद्रप्रस्थ कॉलेज के बैक साइड। अच्छा, मतलब लैंडमार्क इंद्रप्रस्थ कॉलेज के बैक साइड के अंदर है। आपको कभी भी मोमोज खाने होते स्वादिष्ट वाले तो यहाँ पर एक बार जरूर आए और खा करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। चलेगा इस कल बाई।